अस्सलाम वालेकुम खातीना हजरात, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बाइक पे क्यों आया, तो भाई बाइक पे आज आपके लिए इतनी दूर से आए हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, तो आज फाइनली वो स्टाफ की वीडियो आएगी और आप लोग देखेंगे सीखेंगे और सीखते हैं तो फिर वो मैंने आपको बताया था कि मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग भेजा करें वीडियोज़, और कुल्हाड़े की वीडियोज़ भेजी थी, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को तीसरा पार्ट समझ ही नहीं आया। बोले हमसे तीसरा पार्ट नहीं होता और हमें सारे पार्ट आते हैं, तो चले कुल्हाड़े की बात तो अलग है, वो भी इंशाल्लाह उसके भी पार्ट्स आएंगे। और आज आप लोगों के लिए बोझ स्टाफ की वीडियो है, थोड़ी सी लो क्वालिटी है मगर चलता है, खैर है कभी कभी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जी पिछली बार जो हमने बोझ स्टाफ का सीन सीखा था वो मतलब आसान था एक तरीके से और थोड़ा सा मुश्किल था, अगर वो सिर्फ आपको ट्रिक पता चल गई तो वो आप लोग कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद अपना जो अब हमने सीखना है, जो आपने और मतलब मैं आपको जो सिखाऊंगा वो आपको सीखना है। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था, पहले पार्ट में हमने ये सीखा था, ये देखें ये वाला सीखा था, ये वाला पार्ट। तो अगर दिखने में तो हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो। अच्छा, बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं, अपने हाथ को ना मतलब ये रखते हैं और ऐसे करके ये चलाते हैं, यूं ऐसे नहीं चलाना। आपको पहला पार्ट दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला ऐसे, ये देखें ये हाथ चेंज करना है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो डिटेल में उसको जाके देख लें। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में हमने अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं सीखा तो वो ये वीडियो देखना फजूल है आप लोगों के लिए, क्योंकि पहला पार्ट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट आएगा। एक दफ़ा मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या सीख रहे हैं आज हम ना। आज हम सीख रहे हैं ये वाला पार्ट, ऐसे चलाया घुमाया 1 2 3 4 5 पे लेकर गए, फिर वापस लेकर आए दोबारा इसी पोजिशन पर। आज हम ये वाला पार्ट सीख रहे हैं और मैंने बहुत स्लो किया, इसको मैं तेज़ करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा पीछे हूँ मैं, ज़रा तेज़ करके दिखाऊँ, क्योंकि पीछे इसलिए बोला कि लग जाती है ना कभी कभी। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 पे आगे और ये सामने, देखा आवाज़ भी आ रही है वो 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 ऐसे करके। तो भाई ये बोझ स्टाफ है, और जिन लोगों के पास बोझ स्टाफ नहीं है उनको मैं बार बार यही बोलता हूँ, बोझ स्टाफ नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है, वो मतलब आपका हेडेक है, वो मैंने आपको बता दिया, आप जुगाड़ बना सकते हैं। बोझ स्टाफ जो होता है ऐसे फ्लेक्सिबल होता है, आपके पास अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मतलब बोझ स्टाफ में डंडे में तो कोई इशू की बात। अच्छा, आज हमें सीखना है ये वाला स्टेप ना, जिसको ये वाला स्टेप आता है ना समझ लें वो पीछे वाला स्टेप भी सीख लेगा, ये वाला स्टेप जिसको आता है। अब एक दफ़ा मुसब भाई देखें आप, ये मैंने चलाया इस तरीके से और इसको ये पीछे लेके जाऊंगा, ये पीछे लेके जाऊंगा इस तरीके से, ये पीछे लेकर गए और ये हाथ घुमाया और ये ऐसे, ये देखें दोबारा उसी पोजीशन पे आ गया और दोबारा उसी पोजीशन पे फिर मैंने चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, असल इसकी जो ट्रिक है ना उसको उसी जगह पे लेकर आना है, इसको घुमा के और इसी पोजीशन पे वापस लेकर आना है। अब मैं आपको पूरा मतलब ना इसको गौर से देखेंगे समझिएगा इसको, सही है। पहले मैंने ये दिखाया, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखें। अब इसके बाद क्या किया, ये ऐसे घुमाना है, ये यूँ घुमाना है, ये घुमाया 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 घुमाया, ये देखें ये पूरा हाथ मैं चेंज करे जा रहा हूँ, फिर इसको ये वाले हाथ से ऐसे करके पकड़, फिर हमने इस तरीके से इसको ऐसे निकाल दिया, सही है। अच्छा, अब मैं ना आपको एक दफ़ा पीछे से दिखाता हूँ किस तरीके से चलाना है, पीछे से मतलब आप लोगों को देखना है, गौर करना है इस डंडे पे कि मैं किस तरीके से पकड़ूंगा पीछे से, सामने से तो आप लोगों को समझ आ गया मतलब असल मामला जो है वो पीछे वाला है ना। तो ये देखें, ये आपका हाथ है, सही है, ये आप घुमा रहे हैं सिंपल, ये वो जो वाला हिस्सा था आपका, ये आप घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं घुमा रहे हैं, ये देखें ये हाथ को थोड़ा सा दूर किया, पता चले यही मार लिया अपने मेन वाड़े में, मार लिया ले भैया काम तमाम। तो ऐसा नहीं करना भाई, थोड़ा सा एहतियात करनी है और सेफ्टी के साथ करना है, क्योंकि हमारे साथ भी हो चुका है, मेरे तो मुंह पे फेस पे लगा था, एक दफ़ा खून भी निकल गया था, नाक पे लगा था, सर पे लगा था, मेन पार्ट पे लगा था, बहुत दफ़ा लग चुका है मेरे। तो टेंशन मका वो वाला मामला है, सही है। तो देखें एक दफ़ा मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये चलाया यही वाला स्टेप और ऐसे करके थोड़ा सा दूर रखा बॉडी से, ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ये यूं करके लेकर जा रहा हूँ और इसको भी यहाँ से मूव कर रहा हूँ, मूव करके फिर ये इसको ऐसे करके पकड़ रहा हूँ, ये वाला, ये इस वाले हाथ से पकड़ना है, ये पकड़ा फिर उसके बाद ये वापस ये वाले हिस्से पे, थोड़ी सी फुहार भी पड़ी है, बूंदाबांदी टाइप हो रही है, मज़ा आ रहा है आप लोगों से मतलब बात करके ना, क्या सुकून मिल रहा है। तो देखें एक दफ़ा और देखें, ये घुमाया फिर इस तरीके से ये और ये, अभी देखें मैं स्पीड से करके दिखाता हूँ थोड़ा, देखें जब ये स्पीड से होता है ना बहुत ही कोई बाप किस्म का लगता है। अच्छा, इसके बाद जो पार्ट आएगा ना मैं उसमें कोशिश करूंगा कि तीनों कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊं, कॉम्बिनेशन उसका मतलब होता है मैं इंशाल्लाह कुल्हाड़े का भी एक पार्ट डालूंगा जिसमें कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन मतलब सारी चीज़ें आप एक साथ करें, जो मैंने सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं ना एक एक करके इसमें सब चीज़ें एक साथ आपको करनी पड़ेंगी।
तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक दफ़ा और देख लें, वरना आप अभी भी जा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। एक दफ़ा और करके दिखाएंगे मुसब भाई, ज़रा करीब से दिखाएगा। ये घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया, फिर उसके बाद ये पीछे लेकर गए ऐसे, और ये इसको ये पकड़ा और फिर वापस ले आए। समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना? सही है, मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। बारिश के मज़े ले। We'll be right back.